आज मैं लेकर आई हूँ आलू टिक्की की रेसिपी, जिसे आप एकादशी या किसी भी व्रत में सर्व कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। चलते हैं किचन में, देखते हैं आलू टिक्की कैसे बनाते हैं। नमस्कार, #motivated चैनल में आप सबका स्वागत है। मैंने लिया है बॉयल्ड आलू। 3 मीडियम साइज आलू को मैंने पहले से बॉयल करके रख दिया था। रफली आलू को मैश करेंगे। बहुत अच्छी तरह मैश नहीं करना है। एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम करेंगे, उसमें डालेंगे फ्राई करने के लिए मूंगफली। अच्छी तरह से मूंगफली को फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम में मूंगफली फ्राई करने के लिए 2 से 3 मिनट टाइम लगता है। तेल से निकाल लेंगे और साइड में रख देंगे। उसी तेल में डालेंगे 1 चम्मच जीरा, बारीक कटे हुए हरी मिर्च, जितना तीखा खाते हैं उतनी हरी मिर्च डालिए। अदरक को मैंने डायरेक्ट तेल में नहीं डाला है, क्योंकि डायरेक्ट तेल में डालने से तेल छिड़कता है। 1 मिनट फ्राई करने के बाद डालेंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। मसालों को 2 मिनट मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। मसालों से जब बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी, डालेंगे मैश किया हुआ आलू। आलू डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। डालेंगे स्वादानुसार नमक। मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक डाला है। नमक के साथ आलू को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आलू जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए, डालेंगे फ्राई किए हुए मूंगफली। मूंगफली डालने के बाद मिक्स करेंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे। मसाला जब ठंडा हो जाए, तब तैयार करेंगे आलू टिक्की। आलू टिक्की के हिसाब से आलू लेंगे, फिर रोल करके प्रेस करके आलू टिक्की का शेप देंगे। इसी तरीके से सारे टिक्की तैयार करेंगे। फ्राई करने के लिए एक तवा गरम करेंगे, उसमें डालेंगे तेल। ब्रश की मदद से तेल को स्प्रेड करेंगे। फ्राई करने के लिए डालेंगे आलू टिक्की। मीडियम फ्लेम में धीरे धीरे फ्राई करेंगे। आलू टिक्की ठीक तरह फ्राई होने के लिए 4 से 5 मिनट टाइम लगता है। एक साइड फ्राई हो जाने के बाद टिक्की पलट देंगे, दूसरे साइड को फ्राई करेंगे। दूसरे साइड फ्राई हो गया है, मतलब आलू टिक्की रेडी है। गर्मा गर्म सर्व करेंगे। एकादशी या किसी भी व्रत में आलू टिक्की आप ऐसे स्नैक्स सर्व कर सकते हैं। नॉर्मल डेज में भी इवनिंग स्नैक्स में आलू टिक्की सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आलू टिक्की की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नए नए और भी वैरायटीज रेसिपीज़ के लिए #motivated चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।